कांग्रेस के दिग्गज नेता आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे श्योपुर में जनसभा करेंगे। बाबू जंडेल के समर्थन में आज राहुल गांधी भी सभा करेंगे। विदिशा आएंगे और विदिशा और टीकमगढ़ में सभा को संबोधित करेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे श्योपुर में सभा करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि कई दिग्गज कांग्रेस के भी आज प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे और बाबूलाल जंडेल के समर्थन में मल्लिकार्जुन खड़गे सभा करेंगे। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश आज होगी। विदिशा और टीकमगढ़ जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे कांग्रेस के और एक संदेश देने की कोशिश होगी कांग्रेस की तरफ से। इसी के साथ वोटों की अपील भी मल्लिकार्जुन खड़गे करते हुए नजर आएंगे। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी तूफानी प्रचार पर निकले हुए हैं। रतलाम के रावटी कस्बे में सीएम की सभा होगी। मंदसौर में सीएम सभा को संबोधित करेंगे। सुवासरा में हरदीप डंग के समर्थन में सभा करेंगे। दरअसल उज्जैन में आम सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अंशिका आज होने हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान सरीखे नेता हूं, या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, ये सभी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, रोड शोज करेंगे और लोगों से पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि 17 नवंबर को 230 विधानसभा की सीटों पर वोट डाले जाने हैं और महज 2 दिन बचा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए ज्यादा समय नहीं है और उसके बाद प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा, इसीलिए भी पूरी कोशिश की जा रही है अंतिम दिनों में। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज कई दिग्गज मध्य प्रदेश के चुनावी रण में नजर आएंगे, किस तरीके से यहां पर प्रचार प्रसार किया जाएगा, आज कौन कहां होगा, विस्तार से जानकारी साझा करें। बिल्कुल अंशिका, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थमने में महज अब 48 घंटे का समय रहेगा और ऐसे में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल जो है वो ईडी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदाताओं के बीच पहुंचा जाए। और यही कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व से लेकर मध्य प्रदेश के तमाम जो नेता है आज अलग अलग इलाकों में दौरे करने पहुंच रहे हैं। अगर सिलसिलेवार अगर मैं बात करता हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है वो बैतूल, शाजापुर, झाबुआ और इंदौर, यानी 4 बड़े जो जिले हैं उनमें आज रैलियां करने जा रहे हैं। एक रोड शो बड़ा भी इंदौर में जो राजबाड़ा है वहां से वो करने वाले हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मऊगंज के देवतालाब में, जबलपुर दक्षिण पश्चिम के साथ ही कई कुछ अन्य इलाकों में भी वो सभाएं करने वाले हैं। जगत प्रसाद नड्डा यानी जेपी नड्डा भी मध्य प्रदेश के दौरे पर है, वह रतलाम और रायसेन और नरसिंहपुर में सभाएं करेंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। वह रतलाम, हरदा और छिंदवाड़ा, बालाघाट, ये जो प्रमुख जिले हैं इनमें आज दौरे करने वाले। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करने में लगे, एक दिन से 10 से 12 रैलियां कर रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो जो मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, फगन सिंह कुलस्ते हो, प्रहलाद पटेल है या फिर जो नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम जो नेता हैं वो लगातार अलग अलग हिस्सों का दौरा करके आज अपने अपने पार्टी के समर्थन में सभाएं करने वाले हैं। अगर दूसरी तरफ बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से जो राहुल गांधी हैं वो आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। विदिशा में वो एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा सीट पर भी वो एक जाएंगे। इसके बाद अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करते हैं तो वो श्योपुर में, श्योपुर विधानसभा के लिए बाबू जंडेल के लिए वोट मांगे, तो वहीं दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा सीट में कुंवर घनश्याम सिंह के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद मुरैना दौरे पर जा रहे हैं और मुरैना जिले में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा सचिन पायलट जो है वो आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है, वो भी आज यहां पर कई इलाकों में रैलियां करेंगे। तो अगर तीसरी तरफ बात करते हैं तो अखिलेश यादव भी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है और वो भी कई इलाकों में जाकर अपनी पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके लिए जनसमर्थन मांगेंगे। और जिस तरीके से अब महज 48 घंटे का समय बचा है और ऐसे में लगातार जो दिग्गज नेता है वो मैदान पर है और अधिक से अधिक लोग उनके पक्ष में मतदान करें, इस तरह की अपील वो लगातार करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अपने दर्शकों को बता दें कि इन सभी कार्यक्रमों में क्या कुछ बड़े नेता ऐलान करते हैं वो भी दिखाने के लिए लगातार हाजिर रहेंगे हम।